हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ईटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर। मैं फाक्टर जफर और आज मैं आपको कराने वाली हूँ अल्टीमेट परसेंटेशियल क्वेश्चंस। तो सीजीएल स्पेसिफिक के क्लास है, अल्टीमेट क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। ऑलरेडी 3 चैप्टर मैं आपको प्रैक्टिस बैच में कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर नहीं देखी है तो क्लास तो प्लीज देख लेना क्लास को अपनी, ठीक है। प्रीवियस सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मान के चलो अगर वो सारे क्वेश्चन आप कर लेते हो तो आप यकीन मानिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा सीजीएल में अर्थमेटिक से रिलेटेड जो आप ना बना पाओ, ठीक है। और बहुत जल्द अब आपका अर्थमेटिक भी स्टार्ट होने वाला, सॉरी एडवांस भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अब जो वीक आएगा उसमें हम एडवांस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो पहले सबसे पहले जान लेंगे क्लासेस की टाइमिंग। तो देखिए क्लासेस की टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ, आपकी 6 PM पर मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। आपकी क्लास होती है ऑल्टरनेट डेज में, मैथ्स की, ठीक है, जिसमें हम एक दिन पढ़ते हैं आपका प्रैक्टिस बैच का और एक दिन हम कवर करते हैं क्या बेसिक टू एडवांस लेवल, ठीक है। तो देख लेना अर्थमेटिक, वैसे मैंने आपकी कंप्लीट करा दी है। इसमें सिर्फ आपका बोट एंड स्ट्रीम जो आपका लगभग मान के चलो 2 क्लासेस में फिनिश हो जाएगा, एंड रेस के कुछ क्वेश्चन है वो भी आपके 2 से 3 क्लासेस में फिनिश हो जाएंगे, तो अर्थमेटिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम अपना एडवांस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये टेलीग्राम ग्रुप है, इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप, ये आप टाइगर सर का ग्रुप है, इसमें आप इंग्लिश रिलेटेड डाउट पूछ सकते हो। अच्छा, इस ग्रुप का नेम चेंज हो चुका है, मैं आपको बता देती हूँ। इसका अब ग्रुप है मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम, ठीक है। ये ग्रुप आपका सेम ग्रुप है, ज्वाइन अगर आपने कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा तो आप ज्वाइन कर लेना। इसमें मैं संडे में जो है PDF मैंने अपलोड की थी कुछ, तो आप देख लेना जाकर, ठीक है। जो भी मैंने आपको पढ़ाया था ना टाइम एंड डिस्टेंस में, उसकी कंप्लीट PDF मैंने अपलोड कर दी है, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। चलो तो हम जो है प्रैक्टिस बैच के क्वेश्चन अपने कर रहे थे और आज होगा क्वेश्चन नंबर 25। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। आपसे कहा जा रहा है जो रेडियस है सिलेंडर की उसे डिक्रीज किया गया 20% से, देन हाउ मच परसेंट हाइट मस्ट बी इंक्रीज्ड, उसकी हाइट को कितना इंक्रीज किया जाए कि वॉल्यूम पे सिलेंडर की कोई असर ना पड़े। देखो ये वाला क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि HL में सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपकी होती है पाई आर स्क्वायर एड एच, ठीक है, यही होती है, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर जो है पहले केस में आर कुछ भी हो एच कुछ भी हो, लेकिन पाई अगर यहाँ पर ये है तो सेकंड केस में आर बड़ा हो चाहे एच बड़ी हो पर पाई तो वहां भी रहेगा, इट मीन्स पाई तो आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को तो वही रहने दो। अब जो आपका चेंजेस रहेगा एरिया वॉल्यूम में वो निर्भर होगा किस पे, आपके रेडियस पे और आपकी हाइट पर, है ना। सिलेंडर की रेडियस और सिलेंडर की हाइट पर वो चीज आपकी डिपेंड हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है आर का स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है रेडियस जिस रेशियो में बढ़ेगी हाइट उस रेशियो में घटती है, रेडियस जिस रेशियो में घटती है, ठीक है, तो हाइट उसी रेशियो में आपकी बढ़ जाती है। ये चीज मैंने आपको कई बार बताई भी है, ठीक है। तो चलिए बस इसमें यही हमें करना था। तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो अगर आप जो रेडियस है सिलेंडर की वो 1/5 से, मतलब पहले अगर 5 थी तो अब 6 हो गई है, तो हाइट आपकी 6 से 5 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली चीज बस इतनी सी है कि यहाँ पर भी स्क्वायर है यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है ये भी सेम रेशियो में चेंज होगा। तो ये कितना हो जाएगा 25, क्योंकि आर स्क्वायर है ना, इस वजह से ये हो जाएगा आपका 36। तो ये हो जाएगी आपका 36 से 25, कितना कम हुआ है 9 कम हुआ है 36 पर, ठीक है, सॉरी हाँ सही तो है यार, 9 कम हुआ है 36 पर, मतलब 3/13 5 से 6 हुई थी, मतलब डिक्रीज हुई है, मैंने इंक्रीज का केस बना दिया है, ठीक है। देखो अगर इंक्रीज होता यहां पर, अगर मान लो चलो यही चेंज कर लो यही बढ़िया है, ठीक है, इंक्रीज अगर होता तो आपका आंसर जो है क्या हो जाता 9/36, ठीक है, इतना परसेंट हो जाता, ठीक है, अगर जो है आपका इंक्रीज होता तो। बट इन केस यहाँ पर आपको बोला गया है क्या डिक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज में देखो पहले अगर 5 था तो अब 4 हो जाएगा, मतलब 5 का स्क्वायर एंड आपके 4 का स्क्वायर, तो ये अब आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर, तो सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। देन
अगर आप देखो तो ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा 25, कितने की कमी आएगी यहाँ पर, अगेन 9 की आ रही है अपॉन 16, तो 1 अपॉन 16 होता है 6.25, इसका 9 गुना हो जाएगा आपका 56.25, वैसे भी आपका 50% से ज्यादा ही आना था, तो आंसर हो जाएगा आपका 56.25। इंक्रीज होता तो आंसर ये होता, डिक्रीज है तो आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पर इंक्रीज से क्वेश्चन करा देता, बट कोई बात नहीं, आप इसे नोट कर सकते हो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे कहा गया है प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं कितने, 33.33% इसके एप्पल्स के, तो उससे हुआ क्या है, कस्टमर अब बेचारा 4 एप्पल्स कम खरीद रहा है 16 रुपए में, तो आपसे पूछा गया है ओरिजिनल प्राइस क्या होंगे एप्पल के पैसा में। ठीक है, एक एप्पल के आपसे प्राइस पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन एसएससी के फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है, आपने देखा होगा एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीपी हो, जो चाहे CHSL हो या फिर आपका CGL हो, इस तरह के क्वेश्चन एसएससी आपसे पूछता जरूर है। ठीक है, और चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों करना। देखो संभाल के समझना, बेसिक से करोगे बहुत लंबा हो जाएगा, तो एक ही बार में समझ लो क्या कह रहा है। सॉरी, आपसे कहा गया है मान लीजिए आप पहले 16 रुपए लेकर जाते थे मार्केट, तो 16 रुपए में आप एक्स एप्पल लेकर आ जाते थे, लेकिन अभी भी आप 16 रुपए ही लेकर जा रहे हो, लेकिन अब आप कितने एप्पल कम मिल रहे हैं, 4 एप्पल 16 रुपए में कम मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक एप्पल की कीमत जो है 1/3 से आपकी बढ़ चुकी है, मतलब एप्पल की कीमत जो है 33.33% बढ़ चुकी है, उसका मतलब क्या हो जाएगा 1/3, 1/3 का उसमें इंक्रीमेंट हो गया है, जिसकी वजह से 16 रुपए में अब 4 एप्पल कम मिल रहे हैं। तो ये तो था कुछ बेसिक स्ट्रक्चर इस क्वेश्चन का, लेकिन अब हम इसे एग्जाम में कैसे बनाएंगे आप ये समझिएगा, बहुत इजी है, बिल्कुल लॉजिकल है। क्या हुआ, अब ठीक है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है, चलो सही है। चलो अ कस्टमर परचेज, देखो 4 एप्पल्स वो लेस बाय करता है कितने में, 16 में। ऐसा क्यों, क्योंकि जो रेट ऑफ एप्पल है वो कितने से इंक्रीज हो चुके हैं, वो आपका 1/3 से इंक्रीज हो चुके हैं। ठीक है, तो ये मैंने निकाला है किसका, 4 एप्पल की कॉस्ट अब ये हो चुकी है। ठीक है, लेकिन अब जो है अगर मैं आपसे कहूँ 1 एप्पल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 1 एप्पल कॉस्ट कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल कितना हो जाएगा, 16 इंटू 1/3 इंटू 1/4, या बाकी आपको पता है 4 नीचे ही आना था, तो कितना हो जाएगा ये 4/3। एक्चुअल में आपकी जो कॉस्ट है अब कितनी हो जाएगी, हो गई है 3 से 4 हो गई है, कहने का मतलब ये है। तो पहले अगर आपकी जो वो थी कॉस्ट वो 3 थी, तो अब कितनी हो गई है, 4 हो गई है। तो आपसे पूछा है कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल क्या होगा, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 3 से 4 हुआ है, तो यहाँ पर 3 से 3 ही हुआ होगा, कितना आएगा 1, है ना। तो 1 रुपए, 1 रुपए का मतलब कितना होता है, 100 पैसा, और यही इसका क्या है आंसर है, 100 पैसा इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको क्लियर होगा। एक बार मैं और बता देती हूँ, अगर आप पहली बार इस तरह से कर रहे हो तो मुझे पूरी उम्मीद है दिक्कत आपको आ सकती है, तो देखो समझ लो क्या कह रहा है, 4 एप्पल पहले आप 16 रुपए में लेकर आते थे, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, रेट बढ़ गए, कितने से बढ़े, 16 पे 1/3 रेट बढ़ जाता है, अब रेट जो है आपके 16 इंटू 1/3 हो जाते हैं। क्लियर, यहां तक आई होप कोई डाउट नहीं होगा।
फिर क्या हुआ पर ये आपके चार एप्पल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि फोर पे अगर इतना बड़ा है तो आपको ये बताना है कि वन पर कितना इंक्रीज हुआ है। तो वन एप्पल जो है अब आपको कितने का मिलेगा, तीन, फोर बाय थ्री का मिलेगा, फोर बाय थ्री का मिलेगा। पर तो पहले अगर तीन था तो अब कितने का मिल रहा है, फोर बाय थ्री का, मतलब तीन की चीज चार में मिल रही है। यहाँ पर थोड़ा रेशियो का खेल है। फिर यहाँ पर अगर तीन की चीज चार में है तो पहले तीन की चीज तीन में ही मिल रही थी क्योंकि 16 में वो 16 ही मान लीजिए एक तरह से लेकर आ रहा था। अब मान लीजिए वो 16 में जो है कितने ला रहा है, 12 ला रहा है। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। ऐसा गिवन नहीं है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए ये चीज यहाँ पर बताई है। ठीक है, पहले 16 में 16 मतलब तीन में तीन आ रहे थे, अब 16 में 12 मतलब अब जो है चार में तीन। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो एक की एक रुपये यहाँ पर कॉस्ट आ जाएगी, एक रुपये का मतलब क्या हो जाएगा, 100 पैसा। तो 100 पैसे में ही आपसे आंसर पूछा गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 100 पैसा। नाउ यू कैन नोट दिस। ओके, देखो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सन 2017 में पूछा गया था, सीजीएल का क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। एबीसी थ्री स्टूडेंट से ए को 18% ज्यादा मार्क्स मिलते हैं बी से और 12% लेस मार्क्स मिलते हैं किससे, सी से। अगर बी को 220 मार्क्स मिले हैं तो आपको बताना है सी को कितने मार्क्स मिले होंगे। अब यहाँ पे कंपेरिजन दो बार होगा, एक बार होगा ए का बी के साथ और एक बार होगा ए का सी के साथ। ठीक है, बी का सी के साथ got 8% more marks than B and 12% less than C। हाँ, तो दो बार कॉम्बिनेशन आएगा, पहले आएगा आपका A और B का। तो A और B की अगर मैं बात यहाँ करती हूँ, 18% इसे ज्यादा मिले हैं, मतलब B को अगर 100 मिले थे तो इसे कितने मिले होंगे, मोर, 118 मिले होंगे। ठीक है, नो डाउट। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 59 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करती हूँ तो किसका निकलेगा, ए और सी का। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि ए के मार्क्स जो है सी से कितने कम है, 12% कम है। तो सी को अगर 100 मिले थे तो इसको कितने मिले थे, इसे 88 मिले थे। ठीक है, इसे 88 मिले थे, मतलब कितना हो जाएगा, 44 एंड 50, तो और कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 और 22 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो आपको होगा नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है। अब आपको क्या करना है, वही जो हम हमेशा करते हैं, रेशियो को सेम बनाना है। यहाँ पर ए आपका 59 है, यहाँ पर कितना है, 22 है। तो इस वाली को मैं 22 से मल्टीप्लाई करा लेती हूँ और इसको मैं 59 से मल्टीप्लाई करा लूंगी। और आपसे पूछा गया है कि सी को कितने मार्क्स मिले हैं। अब देखो यहाँ पर अब क्या करना है, सॉल्व करने मत बैठ जाना। यहाँ पर आप देखो तो मुझे बी के मार्क्स पता है कि बी के 222 मार्क्स हैं, तो इसलिए मैं जो कॉम्बिनेशन मुझे बिठाना है वो बी और सी में बिठाना है। ठीक है, समझ गए, क्योंकि जो चीज गिवन है हमें हम उसी चीज को तो आके लेकर चलेंगे ना। देख लो प्रैक्टिस बैच में भी इतनी गहराई वाली बातें मैं आपको बता रही हूँ, जो कि आपको बेसिक टू एडवांस लेवल बैच में ये बातें बताई जाती हैं। ठीक है, तो तो आप भी जो अपने एफर्ट लगाइए, वीडियो को देखो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो। ठीक है, बस। तो देखो, तो बी और सी की अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, बी और ये रहा आपका सी, तो बी यहां से मुझे कितना मिल जाएगा, 50 × 22। ठीक है, और सी यहां से कितना मिल जाएगा मुझे, 25 × 59 × 59। जो भी कट रहा है उसे काट दो, दो बार कटेगा तो कितना मिल जाएगा, 44 से 59। ठीक है, अब बी के मार्क्स आपको गिवेन है कितने हैं, 220 4 टाइम 2 टाइम और कितना, ये 5 गुना, ये कितना होगा इसका, 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना कर दो। टू फोर्टी फाइव क्या गड़बड़ी हुई, 295। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देख सकते हो यहां पर जो है, देखो यहां पर मैंने 59 की 22 से मल्टीप्लाई नहीं कराई, क्यों नहीं कराई, नीड ही नहीं थी। मुझे जो पता था, मुझे बी का पता था सारा, कि बी के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, 200
20 है, इसी वजह से लास्ट में कॉम्बिनेशन मैंने B और C में बिठा ला कि मैंने B का रेशियो रखा और C का लिखा, देन उसको कैंसिल आउट किया, पता चला ये 5 गुना है, ये अगर 5 गुना है तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, 295। अच्छा क्वेश्चन था, आप नोट कर सकते हो। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी सन 2018 में CHSL में पूछा गया था। देख सकते हो CGL और CHSL हो, कोई लेवल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों का आजकल सेम ही चलता है। क्वेश्चन आप देख सकते हो है तो CHSL का, लेकिन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, जो नंबर है वो 1 से ग्रेटर है, मान लो एक्स है और वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो आपसे ये वो बात बोली गई है, डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ, उसका खुद का डिफरेंस के साथ उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस, वो 20% है किसके, सम ऑफ इटसेल्फ और उसके रेसिप्रोकल के। ठीक है, तो इस यहां तक अगर मैं बात करूं तो डिफरेंस ऑफ इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल, तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो जाहिर सी बात है वन अपॉन एक्स छोटा होगा तो मैं इसे इधर ही लिखूंगी। तो ये किसके इक्वल गिवन है, ये गिवन है इनका जो सम है ना एक्स और एक्स प्लस वन का, इसका 20%। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, ये चीज आपको गिवन है। देन आपसे पूछा गया है हाउ मच परसेंट इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर लेस देन इट्स क्यूब, इसका जो स्क्वायर है नंबर का वो क्यूब से कितना परसेंट कम होगा। ठीक है, ये चीज आपसे पूछी गई है। यहाँ अगर मैं सॉल्व करती हूँ, उसको ओपन कर लेती हूँ, तो देखो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा 5x। देखो ये मैं इधर अगर ले जाती हूँ, ये सा वाला 5 है, मैं अगर इधर ले जाऊंगी हो जाएगा 5x माइनस 5/x, यही होगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ही यहाँ पर लिख देती हूँ, डायरेक्ट ही यहाँ पर लिख देती हूँ क्या, ये हो जाएगा 5x माइनस 5/x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये यहाँ से ये हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी, ये इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा 4x और ये इधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 6/6, यही होना था। ठीक है, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। टू एंड थ्री, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3/2, एक्स स्क्वायर बाय 3/2, या फिर मैं ये भी लिख सकती हूँ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, √3 एंड √2। ठीक है, ये होता है आपका 1.7 के अराउंड और ये होता है आपका 1.4 के अराउंड। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ 1.7 एंड 1.4, क्योंकि अप्रोक्स चाहिए एक तरह से, नियरेस्ट है ना, तो एक तरह से अप्रोक्स ले लेते हैं। ठीक है, अब कहा गया है इनका क्यूब और इनके स्क्वायर में क्या डिफरेंस होगा, एक तरह से ये बात पूछी गई है। ठीक है, तो स्क्वायर तो ये है इसका, और क्यूब अगर करने बैठूं एक्स तो ये आ जाएगा, डिफरेंस कितने का है, हाउ मच परसेंट इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर लेस देन इट्स क्यूब, स्क्वायर ऑफ द नंबर, स्क्वायर तो ये है। ठीक है, ये क्यूब से इसके कितने लेस देन होगा, इसका क्यूब करेंगे तो बहुत आ जाएगा अगर देखा जाए तो। लेट मी चेक, क्वेश्चन चेक करूं, क्यूब में तो बड़ा ढेर सारा आ जाएगा। क्वेश्चन एकदम ठीक है, तो हम कैसे ऐसे सॉल्व करें इसे कि हमें कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है क्यूब फाइंड आउट करने का। हाँ एक काम हो सकता है, एक काम हो सकता है, वो क्या,
अगर मैं देखो ये एक बात रेशो की तो होगी, एक है आपका स्क्वायर में और एक है आपका क्यूब में। बात अगर यहाँ पर होगी तो रेशो की तो हो रही है, अगर आप देखो तो। अब आप कहोगे रेशो की कैसे हो रही है, रेशो की बात ऐसे हो रही है क्योंकि आपसे परसेंटेज पूछी गई है कि जो स्क्वायर है वो कितना कम है क्यूब से, जो स्क्वायर है वो क्यूब से कितना परसेंट कम है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे स्क्वायर से, यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बचेगा वन और यहाँ बचेगा एक्स, ठीक है। अब ये इससे कितना कम है अगर हमें पता चल जाए तो हम इजिली परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज पूछी गई है, एग्जैक्ट नंबर हमसे नहीं पूछा गया है, तभी हम ये यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। अब देखो कितनी बढ़िया यहाँ पर ट्रिक मिल गई है। यहाँ पे अगर आप कोई बच्चे स्टूडेंट्स इस तरह से इस क्वेश्चन को करोगे कि एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा, फिर इसका आप क्यूब फाइंड आउट करोगे, तो देखो क्यूब में भी जो है ना मन नहीं हो रहा। यहाँ पर अगर आप इसका क्यूब भी करोगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है, क्यूब करने में। तो सबसे अच्छा क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के बीच में आपको जो है कॉम्बिनेशन बिठा लेना था, वो रेशियो क्या आएगा, वन और एक्स का। एक्स हम ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। तो वन रेशियो कितना आ जाएगा, 1.7 एंड 1.4। अब मैं अगर रेशियो सॉल्व करूंगी तो 1.4 से कितना आ जाएगा रेशियो, 1.7। कितना कम है अगर देखो तो ये कम है आपका 0.3, 0.3 कम है, 0.3 कम है। तो 0.3 लगभग कितना हो जाएगा 1.7 का, तो ये हो जाएगा आपका लगभग, देखो अगर मैं इसका 10% करती हूँ तो 10 में आएगा 0.17, तो 20 में आ जाएगा आपका 2 1 में क्रॉस हो जाएगा, तो लगभग 20 और 10 के बीच में आएगा। 20 और 10 के बीच में एक ही परसेंट है, वो है आपकी 18%। तो 18% इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफी अच्छा था ये, देख सकते हो मैंने पहले ही बोला था। अब जो आपकी क्लास रहेगी पहले इजी टू मॉडरेट होती थी, अब जो है आपका आज फोर्थ या थर्ड डे होगा तो इसलिए आप मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहेगी। क्वेश्चन एकदम सिंपल अगर आप देखो तो, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, फंसेगा स्टूडेंट कहाँ कर, यहाँ पर आके वो फंस जाएगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी है, अब आप फंसना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप अगर रेशियो के फॉर्म में कर लोगे तो चीज ज्यादा आसान रहेगी, अदरवाइज अगर क्यूब व्यूब निकालने बैठे हुए तो दिक्कत आएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैं जो भी लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, देन हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। नाउ यू कैन नोट दिस। टी के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं 20%, लेकिन बंदा डिसाइड करता है कि वो इंक्रीज करेगा अपना एक्सपेंडिचर खाली 15% से ही, तो कितने परसेंट रिड्यूस करें वो अपने कंजप्शन को नियरेस्ट डेसिमल तक चाहिए इन ऑर्डर टू एबल टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ द एक्सपेंसेस टूवर्ड्स टी के, एक्सपेंसेस उसके सेम रहे। देखो अगर उसे एक्सपेंसेस को अपना सेफ सेम रखना है तो कंजप्शन क्या रहेगा उसका कांस्टेंट। यहाँ पर अगर कंजप्शन आपका कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है अगर आपकी जो प्राइस है, कंजप्शन अगर कांस्टेंट है तो अगर आपके जो प्राइस है वो इंक्रीज हुए हैं 20% से, मतलब अब कितने हो चुके हैं प्राइस, अब आपके प्राइस जो है वो 120 हो चुके हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की तो वो आपका सिर्फ 15% ही बढ़ाया गया है, 115 उसे कर दिया गया है। तो कैंसिल आउट अगर मैं करती हूँ इसे कितने से जाएगा, 5 से ही कैंसिल आउट करके देख लो, 2 एंड देन आपका 4 और ये जाएगा 23, ठीक है। तो कंजप्शन आपने बाय हाउ मच रिड्यूस किया है, अगर आप देखो तो ये था आपके प्राइस, ठीक है, और ये था आपका क्या एक्सपेंडिचर। तो कंजप्शन पहले 24 था तो अब कितना है 23 है, एक आपने कम करा है किस पर, 24 पर, तो 1/24 होता है 4.2, तो ये रहा आपका आंसर 1.4.2 आंसर, ठीक है। एक लाइन का ये क्वेश्चन था, ठीक है। कंजप्शन कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है कंजप्शन की सारी कहानी डिपेंड करती है किस पे, आपके प्राइस के और एक्सपेंडिचर के रेशियो पर। वो हमने फाइंड आउट कर लिया है कि 120 आपके प्राइस बढ़े हैं तो 15% आपका एक्सपेंडिचर बढ़ा है, मतलब 115। तो एक्चुअल में कंजप्शन में कितने का फर्क पड़ा, 1 यूनिट का आउट ऑफ 24 में से कितना हो जाएगा, 4.2%। ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल
में जो है एग्जामिनेशन में प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट था, टोटल मार्क्स जो है 100 थे, जिसमें आपको थ्योरी पे मिल रहे थे, कुछ प्रैक्टिकल पे मिल रहे थे, कुछ प्रोजेक्ट पे एंड वाइवा। ठीक है, तो मेरे जो सबसे ज्यादा मार्क्स आते थे कभी भी, तो वो सबसे ज्यादा मुझे प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल में मिलते थे, क्योंकि थ्योरी मेरी बहुत ही खराब थी। एंड बात करें वाइवा की, तो वाइवा तो एक मस्ती का दिन होता था, क्योंकि वाइवा की तो कभी तैयारी होती नहीं थी, है ना। तो ये क्वेश्चन जब मैंने पढ़ा था तो स्कूल के डेज मुझे याद आ गए थे। उन्होंने यार वो भी क्या दिन होते थे ना, कि वाइवा होता था और मतलब ही नहीं है, कुछ पढ़ के ही नहीं जाना है भाई वाइवा में, ऐसे मुंह लेकर बस टीचर के सामने खड़े हो जाओ, है ना। तो वो एक अलग ही मौज थी, स्पेशली 12th और 10th 12th स्टैंडर्ड का जो वाइवा था, वो तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। उसमें एग्जामिनर आया था बकायदा, वो मेरी लाइफ का एक ऐसा वाइवा था जिसमें मैं पढ़कर गई थी और मतलब मैंने सही आंसर दे दिया था बिल्कुल। ये बस काफी अच्छा हो गया था मेरे साथ, अदरवाइज 10th का वाइवा हो जाए, 9th का मैं कभी तैयारी से नहीं जाती थी। ठीक है, चलो फिलहाल बैक टू द स्टडी। तो जो डिसाइड हुए थे मार्क्स, वो देखो कुछ इस तरह से हुए थे कि थ्योरी में आपको 40% स्कोर करने हैं, नहीं थ्योरी के आपके 40% मार्क्स बनते हैं, प्रैक्टिकल जो आपकी फाइल्स होती हैं उनके आपके 30% मार्क्स थे, 20% आपके प्रोजेक्ट के थे और 10% आपको वाइवे के दिए जा रहे थे, जिसमें से जो है एक बंदे ने 80% जो है थ्योरी में स्कोर कर लिए थे, 70% प्रैक्टिकल फाइल में स्कोर किया उसने, 60% जो है प्रोजेक्ट में और 50% वाइवा में। तो आपको बताना है उसकी ऑल ओवर परसेंटेज क्या बैठी होगी। तो देखो यहाँ पर कहानी है 100 नंबर की, ठीक है। अब ये 100 नंबर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, आप ये देखिए, इसमें आपको जो है 40% मिल जाते हैं किस चीज के, थ्योरी के। तो टी बना देती हूँ मैं और 40% में लिख देती हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको प्रोजेक्ट फाइल के भी यहाँ पर मार्क्स मिलते हैं कितने, 30% मार्क्स जो है उसके रिजर्व्ड होते हैं, ठीक है। देन फिर क्या था आपका, प्रैक्टिकल के थे, सॉरी ये प्रैक्टिकल के थे, ठीक है। फाइल यहाँ पर बना देती हूँ मैं, बल्कि प्रोजेक्ट ही लिख देती हूँ, प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट के कितने मार्क्स थे, 20 थे। एंड आपके वाइवा के थे कितने मार्क्स, 10 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल आपका 100 ही बन रहा है, ठीक है। अब सिंपली आपसे बोला गया है, जो बोला गया है वो आप फाइंड आउट कर लो, 80% इसे थ्योरी में मिले हैं, इसका 80% कितना हो जाएगा, 32, ठीक है। इसके कितने मिले हैं, इसे इसमें इसे मिले हैं प्रैक्टिकल में 70%, तो 70% इसका कितना हो जाएगा, 21, ठीक है। अगर यहाँ की बात करते हैं प्रैक्टिकल में से 60% मिले हैं, मतलब 60 का मतलब कितना हो जाएगा, इसे 12 मार्क्स मिले हैं। और यहाँ कितना हो जाएगा, 50%, मतलब 5 मार्क्स इसे यहाँ मिले हैं। ऐड कर लो कितना हो जाएगा, 32, और कितना हो जाएगा ये 53, एंड आपका ये हो जाएगा 65 एंड देन 70, 70 मार्क्स आपके हो जाएंगे, 70% मतलब, तो 70 इज दी आंसर। आई होप इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, ये फर्दर चीजें डिवाइड थी तो इसी वजह से मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया। नाउ यू कैन नोट दिस एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ना आपसे कहा गया है, टू स्टूडेंट्स हैं, ए एंड बी अपीयर करते हैं एग्जामिनेशन में, ए स्कोर करता है 8 मार्क्स ज्यादा बी से, और इसके अलावा एक बात और कह दी गई है, जो फॉर्मर है मतलब जो पहले वाला है, मतलब ए की बात हो रही है, उसमें इसके जो है मार्क्स कितने हैं, 55% है सम ऑफ देयर मार्क्स, मतलब टोटल मार्क्स के 55% है। तो आपको बताना है ए और बी ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे, तो इनके सॉरी इनके मार्क्स का सम क्या होगा। तो ये रहा आपका ए और ये रहा आपका बी। तो ए ने अगर 55% मार्क्स स्कोर करे हैं तो जाहिर सी बात है इसने 45 स्कोर किए होंगे, मतलब यहाँ पर हो जाएगी 11 से 9, ठीक है। लेकिन आपसे कहा गया है ए ने 8 मार्क्स ज्यादा स्कोर किए हैं, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जो है खाली 2 मार्क्स स्कोर किए हैं, तो 8 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4, एक की वैल्यू 4 है। तो आपसे पूछा गया इन दोनों का सम कितना है, 20, और 20 इंटू 4 कर दो कितना आ जाएगा, 80, तो 80 जो है आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। 11 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 20 एंड देन 4। नाउ यू कैन नोट दिस,
ये तो आसान क्वेश्चन था, इसमें तो मुझे दोबारा बताने की नीड भी नहीं है। ये करते हैं, जो सैडली है ए और बी की, वो 43,000 है। ए जो है 95% सेव कर लेता है, बी 80% जो है सैडली सॉरी स्पेंड कर देना है कि सेव। ये 95 स्पेंड करता है और ये 80% स्पेंड कर देता है, लेकिन इनकी जो सेविंग है वो सेम है, तो बताओ ए की सैलरी क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखो सैलरी का सम गिवन है, स्पेंड अगर 95 ए करता है तो ए बचाता कितना होगा, 5%। 5% ऑफ ए की क्या है, सेविंग है, जो कि इक्वल है बी की सेविंग की। बी अगर 80% खर्च कर देता है तो 20% जो है बचा लेता होगा, तो 20% ऑफ बी, ठीक है। 5% का मतलब होता है ए बाय 20 और 20% का मतलब होता है बी बाय आपका कितना आ जाएगा 5। तो अगर यहाँ से मैं ए और बी का रेशियो फाइंड आउट करती हूँ तो कितना आ जाएगा, ए अपॉन बी आपका यहाँ से फाइंड आउट होकर आएगा 4/1, ठीक है। 5 इन दोनों का सम है, ठीक है। और सैलरी कितनी गिवन है आपको, टोटल 43,000, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग 5 है, इनके अकॉर्डिंग 43,000 है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 8 40 0 6 0। देन आपसे क्या पूछा गया है, ए की सैलरी कितनी होगी इंटू 4, तो लास्ट में 4 होना चाहिए क्योंकि 6 4 24 होता है। ना ही इसके 4 है, ना ही इसके 4 है, ना ही इसके 4 है, 0 तो आना है ही क्योंकि 0 तो है ही, पर 6 से अगर 4 की मल्टीप्लाई होगी तो 24 आएगा ना, तो 4 तो आना ही है। तो एक ही में 4 है वो है ये, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली सेविंग को इक्वल पुट किया, देन हमने नॉर्मली सॉल्व कर लिया। नाउ यू कैन नोट दिस। एक नंबर को 30% डिक्रीज किया गया, फिर 30% इंक्रीज किया गया, फिर 10% डिक्रीज किया गया, तो आपसे पूछा गया है नियरेस्ट आपको नंबर, नेट परसेंटेज आपको बतानी है कि उसमें कितने का चेंज आएगा। तो देखो सिंपल है, जाहिर सी बात है, पहले अगर डिक्रीज करोगे तो माइनस आएगा, फिर आप फर्दर इंक्रीज करोगे तो प्लस आएगा, प्लस माइनस माइनस ही होना है। 30 × 30 अपॉन कितना आ जाएगा, 100 सक्सेसिव लगेगा, ये तो आपका कैंसिल आउट हो ही जाएगा। यहाँ पर अगर चेंजेस आएंगे कितने आएंगे, माइनस का 9, तो नेट चेंज पहले केस में कितना आ जाएगा, ठीक है, नेट चेंज पहले केस में आ जाएगा 9% डिक्रीज, ठीक है। माइनस का साइन हम नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं, 9% डिक्रीज हुआ है। सेकंड केस में 10% को, अरे फर्दर 10% डिक्रीज हुआ है, ओहो, देन यहाँ पर आपका फर्दर 10% क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो कितना हो जाएगा ये, 90/100। तो यहाँ से तो बचेगा खाली आपका 19, और यहाँ से कितना बचेगा, 0.9 माइनस कर दो, तो लगभग आपका आएगा 18% डिक्रीज। अब देखो डिक्रीज होगा क्योंकि जो है सब कुछ ही, तो आपका ये तो होगा नहीं 19, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इंक्रीज तो हुआ ही नहीं है, तो क्या आएगा आपका डिक्रीज, यहाँ पर क्या आएगा, डिक्रीज आएगा क्योंकि माइनस का साइन लग रहा है, ठीक है। तो 18% क्या होगा, लगभग पूछा गया था, करेक्ट टू दी नियरेस्ट इंटीजर, तो नियरेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा आपका 18, वैसे 18 point something आ रहा है, पर हमने डायरेक्ट नियरेस्ट इंटीजर लिया, तो 18% आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। पहले आपने क्या किया, पहले आपने सक्सेसिव लगाया, देन फिर सक्सेसिव लगाओ, तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नंबर है उसे 30%, देखो इसी पर बेस्ड है ये, 30% पहले उसे इंक्रीज किया गया, फिर उसे 25% डिक्रीज किया गया, फिर फर्दर 25% उसे इंक्रीज किया गया, तो ये बात तो तय है, नेट जो भी होगा वो आपका इंक्रीज में आएगा, तो डिक्रीज वाले तो पहले ही आपके कट जाएंगे, ठीक है। तो 30% पहले इन्होंने क्या किया, इंक्रीज किया है, 25% फिर डिक्रीज किया है, कितना हो जाएगा, 25 × 3/100, तो यहाँ से कितना बचेगा 5, और यहाँ कितना माइनस होगा आपका 75, 7.5 माइनस में आ रहा है कितना, 2.5 जो है यहाँ पर डिक्रीज आ जाएगा, ठीक है, 2.5। फर्दर 2.5 को कितना इन्होंने इंक्रीज किया है, 25% से, ठीक है, तो 25% इसमें इंक्रीज कर दो,
व्हाट इज द नेट इंक्रीज, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या करना है, माइनस 25 इंटू 25 अपॉन 100 हो जाएगा, यहाँ से तो 625 आएगा, दो के बाद पॉइंट है एक के बाद, तो यहाँ पर आएगा समथिंग 0.625, और यहाँ से कितना बचेगा 22 और 21, 21% इंक्रीज, 21% इंक्रीज जो है आपका आंसर हो जाएगा। देखो मैंने ये पूरा सॉल्व किया भी नहीं, आधा अधूरा छोड़ दिया है, क्योंकि यहीं से मुझे वैल्यू पता चल गई, यहीं पर ही 22 आ रहा है, ये लगभग पॉइंट समथिंग आएगा, 0.6 आ रहा है, तो उसको मैं माइनस करूंगी तो लगभग किसके करीब आना है, 21 के करीब आना है। अब यहाँ पर जो है प्लस 25 है तो जाहिर सी बात है इंक्रीज ही हुआ है, तो इंक्रीज आएगा 21%। ये तो सिंपल था, इससे मुझे नहीं लगता तो मुझे आपको बताने की नीड होगी, तो आप देख सकते हो CHSL का आया हुआ ये पूछा गया क्वेश्चन है, और हो सकता है आगे भी इसमें के क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो प्राइस है आर्टिकल के वो इंक्रीज होते हैं 20% हर साल। इफ द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर के आपको प्राइस का डिफरेंस गिवन है, देन 40% ऑफ द एंड ऑफ द सेकंड ईयर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, अब आपसे जो है डायरेक्टली 40% पूछा जा रहा है यहाँ पर, किसका, सेकेंड ईयर का, ठीक है। ठीक है, तो अब इसके ये इसमें आपको क्या करना है, सेकेंड ईयर का जहां पे आपको लेट करना है ना, वहीं की वैल्यू आप क्या मान लीजिए 100। मैंने कहा सेकेंड ईयर जो था, सेकेंड ईयर जो है 100 रुपए थे, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड ईयर, अब आपसे कहा गया है हर साल 20% इंक्रीज होता है, तो अब कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं फोर्थ ईयर की बात करती हूँ तो इसका भी 20% बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं थर्ड एंड फोर्थ ईयर को ही कंसीडर करती हूँ, ठीक है, तो आपसे कहा गया है थर्ड एंड फोर्थ ईयर में जो डिफरेंस है वो है 259.20 का, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है मेरे हमारे अकॉर्डिंग वो कितना है, वो है आपका 24, लेकिन यहाँ पर कितना है 249.20, कितने गुना है, एक बार में तो ये जाएगा 24, 192 कितने बार में जाता है, जीरो तो लगेगा, देन 8 टाइम्स में आपका 192 चला जाएगा, ठीक है। तो 10.8 टाइम्स है ये इसका। क्या पूछा गया, 40% अगर एक की वैल्यू 10.8 है तो 100 की कितनी हो जाएगी, 1080 100 की हो जाएगी, और इसका कितना निकालना है आपको, 40%, 40% का मतलब होगा लास्ट में 2 आना है, तो 2 एक इसके है और एक 2 आपका इसके है, 32 का 2 एंड देन 4, 432 इज द आंसर, ठीक है। चलिए आई होप इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, इसमें जो भी हमें ईयर गिविन थी सेकंड ईयर के बारे में बोला गया था उसी को मैंने 100 मान लिया, मैंने कहा कि सेकंड ईयर जो है रेट 100 थी, देन फिर 20% बढ़े, फिर फर्दर 20% बढ़े, इसका 20% बढ़ता है, देन इनका जो डिफरेंस है वो 24 है, 24 की वैल्यू अगर इतनी है तो एक की वैल्यू आपको गिविन है, आपने फाइंड आउट कर ली, देन 100 की कितनी हो जाएगी, 1080, 40% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 432। आई होप आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये 2017 और 18 के मैंने इसलिए लिए थे क्योंकि 2017 है उसके अगर आप मेंस के क्वेश्चंस देखोगे तो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आए थे, इसी वजह से मैंने आज क्वालिटी क्वेश्चंस आपको कराए हैं। तो प्लीज़ आप जो है वीडियो को मेरी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और अगर आपको जो है क्लास में कुछ भी पसंद आया हो, कुछ भी हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब बनता है। गाइज अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में होगी आपकी बेसिक टू एडवांस लेवल, जिसमें मैं आपको जो हूँ बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।